Good morning, student. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma from LPTS. And in our previous class, we discussed about different type of houses. Okay, हमने different different type के houses के बारे में discuss किया था कि house बनाने में हम किस तरह का construct करने में कौन सा material use करते हैं. And we were discussed about कच्चा house and पक्का house के बारे में discuss किया था. And मल्टी स्टोरी हाउसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस अबाउट कॉमन शेल्टर, है ना. कॉमन शेल्टर के बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन आर houses in various regions of India. Regions means area. Okay, different different area में different different type के जो houses हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे. Okay, so India is a country having geographical diversity. Geographical diversity means naturally created physical features like desert, sea, ocean. ये क्या है? प्लेस टू प्लेस वेरी करती है चीजें. ओके, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि किसी प्लेस पर क्या है, लाइक देयर आर ह्यूज माउंटेन एट सम प्लेसेस. कुछ प्लेसेस पे क्या है, ह्यूज माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर एंड लार्ज ओपन ग्राउंड्स एट अदर प्लेसेस. वहीं दूसरे प्लेसेस पे क्या है, ओपन ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं. ओके, तो इसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जो फिजिकल फीचर्स के बेस पर डाइवर्सिटी है, मीन्स डिफरेंट है एक दूसरे से. ओके, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसे हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहते हैं. सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल. कुछ एरियाज में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश होती है. वाइल एट सम प्लेस देयर इज अ हैज़र्ड. पर जबकि कुछ जगह या कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन. इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन मीन्स एरिया में, एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, जो डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं वो डिफरेंट एरिया में वो किसके अकॉर्डिंग है, वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ओके, वेदर कंडीशन मीन्स वहां का डे टू डे जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो उसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. ओके, मान लीजिए किसी प्लेस का, जैसे हमारे राजस्थान का है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, हॉट, गर्मी रहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना. तो हमारे राजस्थान का जो वेदर है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का. ओके, यहाँ पे वेदर तो क्या, डे टू डे चेंज होते हैं. कभी सनी डे हो सकता है, रेनी डे हो सकता है, क्लाउडी डे हो सकता है. ओके, और इन्हीं वेदर की जो कंडीशंस हैं, अगर थ्रू आउट ईयर सेम रहती है पूरा साल, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां का क्लाइमेट. तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई. तो इन वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो हाउसेस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. Let us see some peculiar types of houses. Peculiars क्या होता है, strange या unusual, जो usually हम ऐसे houses नहीं बनाते हैं. ठीक है, कौन से ऐसे reasons हैं जहाँ पे हम इस तरह के strange या unusual houses देख सकते हैं. Houses in the coastal region. Okay, coastal region क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो areas हैं उन्हें हम coastal area या coastal regions कहते हैं. जहाँ पे वेयर लैंड मीट विद सी और ओशियन. जहाँ पे लैंड कहाँ मिलती है, समुद्र या ओशियन से जाकर मिलती है, उसे हम उन रीजन को क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन और कोस्टल एरिया. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड. जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो हमें वहां क्या दिखता है कि जो इंडिया है थ्री साइड से, तीन तरफ से किससे सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, सी से, समुद्र से. Therefore, many villages and city is in our country are situated in the coastal area. इसीलिए बहुत सारे villages and cities ऐसे हैं जो कहाँ पे situated हैं, कहाँ located हैं, coastal areas में. There are very high tides in the sea water. Tides क्या होते हैं,
जो समुद्र की जो लहरें हैं उनमें क्या होता है, कभी वो राइज होती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, कभी वो फॉल होती है नीचे की तरफ। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मून एंड सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो ये टाइड्स हैं किसकी वजह से होते हैं, इनका रीजन क्या है? तो जो समुद्र में, जो इस ओशन में या सी वाटर में जो टाइड्स होते हैं, राइज एंड फॉल होता है जो सी लेवल का, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएटेड बाय द मून एंड सन, और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसकी वजह से ये जो टाइड्स हैं सी वाटर में क्रिएट होते हैं। विंड स्ट्रॉम आर ऑल्सो देयर। विंड स्ट्रॉम मीन्स स्ट्रॉन्ग विद हाई विंड्स, आंधी तूफान जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं आंधी तूफान के साथ। दैट इज डैमेज्ड हाउसेस बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, जो वहां की जो प्लेसेस हैं उन्हें क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। ओके, समटाइम्स दीज एरियाज कैन बिकम फ्लडेड, और कभी कभी ये एरिया क्या हो जाते हैं, फ्लडेड हो जाते हैं, यहाँ पे बाढ़ आती है। तो ये जो देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे सी है और उसके पास में ये वाला जो एरिया है इसे कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये जो आपको यहाँ लैंड दिखाई दे रही है, कभी कभी ये लैंड क्या हो जाती है, फ्लडेड हो जाती है, यहाँ पे पहाड़ का पूरा पानी आ जाता है। ओके, इफ देयर आर हैवी रेन, अगर हैवी रेन हुई है, बहुत भारी तेज बारिश हुई है, तो क्या होगा, ये एरिया फ्लडेड हो जाएंगे, डूब जाते हैं। फिगर ऑफ सच टाइप ऑफ हाउसेज ऑफ विलेज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया इज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए पिक्चर दी हुई है हमें, हाउस शो किया हुआ है जो कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया में बना होता है। ओके, अ हाउस ऑन द सी कोस्ट। नाउ ऑब्जर्व एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट विल हैपन इफ द वॉल्स ऑफ द हाउसेस हियर आर मेड ऑफ मड। क्या होगा अगर इन कोस्टल रीजन के जो हाउसेस हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो मड से बनेंगी। मड मीन्स क्या होता है, मिट्टी। तो अगर वहां की वॉल्स जो हैं मड से या मिट्टी से बनी होंगी तो क्या होगा, इफ द हाउसेस ऑफ द कोस्टल रीजन्स आर मेड ऑफ मड इट विल डिस्ट्रॉय बाय विंड स्ट्रॉन्ग और हैवी रेनफॉल। तो वो क्या हो जाएंगी, ऐसे हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी किसकी वजह से, या तो विंड स्ट्रॉन्ग की वजह से या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से। ओके, इट विल डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग और हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज मोर यूज ऑफ वुड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउसेस। इन हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में वुड का ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। ओके, बिकॉज इन द एरिया ऑफ कोस्टल प्लेन देयर आर मोर ट्रीज इन द फॉरेस्ट। वहां पे आसपास में देखिए ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में, देखिए बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज अवेलेबल होती हैं इनफ अमाउंट में। सो देयर फोर मोर वुड इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड स्ट्रॉम एंड हैवी रेनफॉल। विंड स्ट्रॉम से एंड हैवी रेनफॉल से बचाने के लिए उसे किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है इन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूसिंग इन आर नियर बाई एरियाज, देयरफॉर विच मटेरियल कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इंस्टेड ऑफ वुड। ओके, तो जो हमारे आस पास का जो एरिया है वहां पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, बिकॉज हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए वहां पर किस तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में, इंस्टीड ऑफ वुड। इंस्टीड मीन्स बजाय, लकड़ी के बजाय, वुड के बजाय हम कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हम हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करेंगे, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ ट्रीज और वुड। सो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वी कैन यूज स्टोन, सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा इंस्टीड ऑफ वुड। तो हम वुड की बजाय स्टोन, सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, ये जो भी मटेरियल है इसका हम यूज करेंगे। नाउ हाउसेस इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में हाउसेस कैसे होते हैं, द स्टेट ऑफ आर कंट्रीज लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा आर द स्टेट विथ हिली रीजन। हिली रीजन यानी हिली एरिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। देयर इज मोर स्नोफॉल इन दीज रीजन, और इन एरियाज या इन रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है वहां पे, है ना।
The roofs of the houses in these areas are also sloping. और इन एरियाज के जो हाउसेस हैं, हिली एरियाज के जो हाउसेस हैं, उनका स्लोप भी कैसा होता है, सॉरी उनका रूफ कैसा होता है, हाउसेस का स्लोपिंग, ओके, स्लोप बना होता है उनकी जो रूफ की जो शेप होती है, ताकि जब स्नोफॉल हो तो वो स्नो वहां पे इकट्ठी नहीं हो, स्टोर नहीं हो, डिपॉजिट नहीं हो, वो वहां से स्लिप होकर नीचे आ जाए, ओके, रूफ पे जो स्नो है उसका डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, ये देखिए यहाँ पे स्लोप दिखाई दे रहा है, इस तरफ देखिए यहाँ ऊपर की तरफ विंडोज पे भी देखिए स्लोप दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर भी सब जगह क्या है, स्लोप बना हुआ है, ताकि जब स्नोफॉल हो तो वो स्नो यहाँ से नीचे आ जाए, ओके। हाउसेस इन अ हिली एरिया, सी इन द पिक्चर, ये देखिए नाउ ऑब्जर्व एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाई द रूफ ऑफ द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड हियर Have is having slope. जो यहाँ पे हम रूफ देख रहे हैं, छत देख रहे हैं बनी हुई, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्लोपी क्यों है, स्लोप क्यों बना हुआ? Because in the hilly area there is more snowfall and sometimes these areas can experience heavy rainfall. कभी कभी वैसे वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल या बारिश होती है. For protecting the roof of the houses from storing snow or water, the roofs of the houses here have slopes. तो उन्हें किससे protect करने के लिए, storing of snow, ताकि वहाँ पे जो snow है वो store नहीं हो या फिर water का storage नहीं हो. हमारे यहाँ राजस्थान में देखिए water rainfall कैसा होता है, बहुत ही little rainfall होता है, तो हमारे यहाँ की जो roofs हैं वो कैसी होती है, flat होती है ना, ताकि उस पर क्या हो, वाटर डिपॉजिट हो और हम उस वाटर को कलेक्ट कर सके, ओके? ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो वहां वो लोग क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसे स्टोर करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ के जो रूम्स हैं वो फ्लैट होती हैं, ताकि वहां पे वाटर डिपॉजिट हो और हम उस वाटर को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके. बट इन द हिली एरियाज में उन्हें वहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, उन्हें इतना वाटर नहीं स्टोर करना होता है, या फिर उन्हें स्नोफॉल से भी अपने रूफ्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो क्या करते हैं वो अपने जो हाउसेस के रूफ है वो स्लोप भी बनाते हैं, ताकि जो स्नो है या वो रेनफॉल का जो वाटर है वो रूफ्स को डैमेज नहीं करे और वहां पे कलेक्ट नहीं हो. हाउ डू दीज हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स? इस तरह के जो हाउसेस हैं वो विंटर्स में कोल्ड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसे? सो ऐसे जो हाउसेस होते हैं हिली एरियाज में, उसमें क्या बना होता है, फायर प्लेसेस बने होते हैं, ओके, घर के अंदर एक ऐसा प्लेस बना होता है जिसे वो क्या कहते हैं, फायर प्लेस कहते हैं. आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, उसमें वो क्या करते हैं, लकड़ियां वगैरह डाल के वहां पे फायर बर्न करते हैं, ताकि उनका जो घर है वो वार्म रहे विंटर्स में भी, उन्हें सर्दी नहीं लगे, ओके. सो फायर प्लेसेस प्रोटेक्ट द हाउसेस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर made up of wood which are very protective in all seasons, winter and summer both. और जो houses हैं वो कैसे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, made up of wood. Wood का use किया होता है उन्होंने अपना house को बनाने में, ताकि जो wood से बने houses होते हैं वो summer season में and winter season दोनों में season में ही उनका protection करते हैं, ठीक है, उन्हें protect करते हैं. Find the state Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Kerala and Tamil Nadu in the map of India. ये जब आप स्कूल आएंगे तब हम आपको मैप में शो करेंगे, ओके? Now houses of snow. Snow से बने, जो बर्फ से बने houses हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Igloo. I-G-L-O-O. Igloo, ओके? Igloo किसे कहते हैं? Houses that made up of snow, जो बर्फ से बने होते हैं houses. You have seen that the material like rocks, sand, wood, iron, etc. are used for the construction of houses. हमने देखा है कि जो house का construction करने में हम कौन कौन तरह किस तरह का material use करते हैं. Rocks, sand, wood, iron, इस तरह का जो material है वो हम house के construction में use करते हैं. However, there are some places in the world where these material are not available at all. लेकिन world में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है. देयर इज स्नो एवरीवेयर इन दीज प्लेसेस. वहां पे इन प्लेसेस पे सब जगह क्या होती है, स्नो ही स्नो होती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है.
अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेसेस, और इन प्लेसेस पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होता है ऐसे एरियाज का. Very less number of people live in those these places, and those who live, their houses are made of snow. और अगर थोड़े जो less amount में people वहाँ रहते हैं, तो उनका जो houses है, वो किससे made होता है? Snow से बना होता है, made up of snow, बर्फ से बना होता है. A figure of a house made of snow is given below. This is known as igloo. Now see in the picture, ये देखिए. चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्नो दिखाई दे रहा है. और ये हाउस भी किससे बना हुआ है? स्नो से बना हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं? इग्लू. नाउ दिस लेसन में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक शॉर्ट समराइज करेंगे. वी लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. क्या स्टडी किया इस चैप्टर में कि डिफरेंट टाइप के जो हाउसेस हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज. किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट टाइप के जो हाउसेज हैं हमने देखे वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन. आप जहाँ जिस प्लेस पे रह रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स आपकी नीड्स क्या है, आपको किस तरह का घर चाहिए, एंड कैपेबिलिटी आप कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं उस घर को बनाने में. इन सब पे डिपेंड करता है कि हाउस का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा. कॉमन शेल्टर्स टेंट बसेरा आर द टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव हाउसेस. तो ये उनके लिए टेम्पररी ऑप्शन है, टेम्पररी तरीका है, यानी कि परमानेंट तरीका नहीं है. वो लाइफ टाइम के लिए वहां पर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ एक टेम्पररी प्लेस है उनके पास में जहाँ पर वो रह सकते हैं. अकोमोडेशन मीन्स उनका जो आवास है या हाउस है, रेजिडेंस है, जो उनकी रहने के लिए जगह है, वो कैसी होती है? टेम्पररी होती है. ओके, फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, ऐसे पीपल्स के लिए जिनका अपना हाउस नहीं है. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 18 इज कंप्लीटेड. हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 18. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट इज द कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ. कच्चा हाउस है वो किससे बना होता है? So, kacha house is made up of options are mud, cement, concrete and iron doors. तो जो kacha house है वो किससे बना होता है? Mud से बना होता है. Okay, so option number A is our correct answer. Option number A हमारा correct answer है, mud. Second question is houses on the sea coast are made up of. Sea coast means वही sea जो region था, समुद्र के किनारे coastal जो region coastal area था. वहाँ पे हाउसेस किससे बने होते हैं? सीमेंट, वुड, मड एंड आयरन रोड. तो वहाँ के जो हाउसेस हैं वो किससे मेड अप होते हैं? वुड से होते हैं, बिकॉज वहाँ का वहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में वहाँ पे वुड अवेलेबल होती है, ट्रीज अवेलेबल होते हैं. तो वो वुड का यूज ज्यादा करते हैं हाउस को मेड करने में. और अगर विंड स्टॉर्म आया या हैवी रेनफॉल हुआ तो वुड क्या करती है? वाटर पे क्या करती है? फ्लोट करती है ना, तो आप उससे वो अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं. ओके, सो इस तरह के जो एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज, वहां पे जो हाउसेस हैं वो वुड से बनाए जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर द इग्लूज बिल्ट. इग्लूज कहाँ बनाए जाते हैं? इन द डेजर्ट, इन स्नोलैंड्स, इन द सी कोस्ट एंड नन ऑफ अबव. क्या तो अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जो इग्लूज हैं वो किससे बने होते हैं? स्नो से बने होते हैं. तो वो कौन से लैंड पे होंगे? इन स्नोलैंड, जो स्नोई एरिया है, बर्फ वाले जो रीजन होते हैं वहां पे इस तरह के जो हाउसेस हैं इग्लूज बिल्ड किए जाते हैं इन स्नोलैंड्स. द होमलेस पीपल लिव इन. होमलेस मीन्स जिनके पास कोई घर नहीं है. ओके, उनका अपना कोई घर नहीं है रहने के लिए. सो ऐसे पीपल कहाँ रहते हैं? हाउसेज में, पैलेसेज में, होटल्स और रैन बसेरा. ये भी हमने डिस्कस किया था कि पीपल जिनके पास अपना हाउस नहीं है वो कॉमन शेल्टर्स या फिर रेन बसेरा का यूज करते हैं. आंसर इज डी, रेन बसेरा.
Now, very short question answers. Question number first is, where do the people live who do not have their own houses? ऐसे people जिनके पास अपना house नहीं होता है. They do not have their own houses means homeless. Okay? जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें ऐसे people को क्या कहते हैं? Homeless people भी कहते हैं. तो वो कहाँ रहते हैं? So homeless people live in common shelters or in basera. From what does the house protect us? जो house है वो हमें किस चीज से protect करती है? So the houses protect us from विंटर समर एंड रेन. वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करती हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करती हैं एंड रेनफॉल से या रेन से प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान व्हिच अलॉट हाउसेस टू द पीपल. हमें राजस्थान की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसी संस्था के बारे में बताना है जो हाउसेस अलॉट करती हैं पीपल. So, हमने कल स्टडी किया था क्या नेम था? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड. वो हाउस मेड करते हैं, बनाते हैं एंड पीपल को अलॉट करते हैं. वेयर आर द कॉमन शेल्टर्स रैन बसेरा फॉर्म. कॉमन शेल्टर या फिर रैन बसेरा को हम कहाँ फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कॉमन शेल्टर और रैन बसेरा आर मेड नियर द पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. Fifth question is, what is the name of the house of snow? Snow से बने जो house हैं, उसको हम क्या कहते हैं? The answer is igloo. Mention two states of India which are situated in the coastal areas. Two states के name बताने हैं, जो coastal area में situated हैं, so that is Tamil Nadu and Kerala. Mention two states which are situated in the hilly area. आपको ऐसे states के नाम बताने हैं जो कहाँ situated हैं? Hilly areas में. So first is Jammu and Kashmir and second one is Himachal Pradesh. Question number 8 is, what type of roofs are there in the houses in hilly areas? जो hilly areas हैं वहाँ की roof कैसी होती हैं? ये भी हमने discuss किया था इस chapter में. वहाँ की roofs कैसी होती हैं? Sloping roof होती हैं. क्यों होती हैं sloping roof? ताकि उन roofs पर जो snow है या फिर heavy जब rainfall होता है तो water वहाँ पे store नहीं हो सके. The roofs of the houses in the hilly areas are sloping. Question number 9 is, from which material are roofs made of nowadays? Aajkal kaun sa material use kiya jata hai roofs ko banane mein? So the roofs are made of RCC nowadays. Aajkal roof kaise banaye jaate hain? RCC. By what material are the walls made in the areas where rocks are not easily available? ऐसे एरियाज जहाँ पर रॉक्स इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ के एरियाज की जो वॉल्स हैं वो किससे बनाई जाती है? ओके, तो वो वॉल्स किससे बनती हैं? सैंड एंड ब्रिक्स. ओके, मिट्टी का यूज किया जाता है, सैंड का यूज किया जाता है एंड ब्रिक्स मींस ईंटों का यूज किया जाता है वॉल को बनाने में. इफ वेयर रॉक्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, अगर वहां पे रॉक्स इजीली अवेलेबल नहीं होती है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 1 इज, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन योर नियर बाय एरिया एंड टेल व्हिच मटेरियल आर यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. हमें अपने आसपास जो हाउसेस बने हुए हैं आपके नियर बाय एरिया में उन्हें ऑब्जर्व करना है और वहाँ जो भी मटेरियल यूज हुआ है हाउसेस को कंस्ट्रक्शन में वो हमें बताना है. सो इन आर नियर बाय एरिया देयर आर स्टोन, सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रोड एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेस हैव. ओके, तो जो पक्का हाउसेस हैं उसके बारे में पूछा गया है कि इन जो पक्का हाउसेस हैं उनकी जो रूफ है वो कैसी होती है. Some roofs are made up of sand and bricks and some are constructed by filling the concrete, cement and concrete in a structure made up of iron rods which are called RCC roofs. And RCC ki full form kya hai? Reinforced cement concrete. Okay? Cement and concrete ko mix karke jo iron rod ki jo structures hai unhein wahan par fill kiya jata hai, wahan pe bhara jata hai.
Third question is high speed storm blow in the desert area. What is the advantage of sloping roofs? A. और जो desert area है वहाँ पर जब storm blow करता है तूफान आता है बहुत high speed से आंधी तूफान आता है तो वो उस time पर जो वहाँ की sloping roof है उससे हमें क्या advantage मिलता है? So due to the sloping roofs of desert area, sand cannot store on the roof of the houses. तो sloping roof की वजह से क्या होगा? अगर sand आएगी भी मिट्टी आएगी भी तो वो स्लोप से फिसल कर नीचे चली जाती है. ओके, तो स्लोप की वजह से जो सैंड है वो रूफ पर स्टोर नहीं होगा. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन द सिटीज. व्हाई आर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो सिटीज में वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है? ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो पीपल है वो विलेज टू सिटीज में माइग्रेट करते हैं बट वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है. जिस अमाउंट में पीपल इंक्रीज हो रहे हैं लोग इंक्रीज वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस अमाउंट में वहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए वहाँ पे मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती है. तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन द सिटीज लैंड अवेलेबिलिटी इज लेस एज कम्पेयर टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल. एवरीबडी नीड अ हाउस टू लिव. Therefore, the houses are constructed close to each other and multi-story buildings have been constructed in the big city. Now, next question is, what must be the advantage to the people living in the multi-story houses? जो multi-story houses में रहते हैं people उन्हें कौन-कौन सी advantage means profit मिलते हैं लाभ होते हैं उन्हें. So, in the multi-story building, the people live close to each other. They help each other, एक दूसरे की help करते हैं and they enjoy all types of facilities such as water, electricity, etc. उन्हें जो भी water या electricity की facility है वो भी एक साथ provide करवाई जाती है and the common staircase, सीढ़ियाँ common होती हैं उन्हीं सीढ़ियों से अगर आप first floor पे रहते हैं, second floor पे रहते हैं, third floor पे रहते हैं तो सब जितने भी लोग उस multi-story building में रह रहे हैं उन्हें उन्हीं same staircase से सीढ़ियों पे use करना पड़ता है एंड एलिवेटर एलिवेटर में लिफ्ट. अगर लिफ्ट है उस बिल्डिंग में तो वो सेम लिफ्ट का यूज करेंगे. सो द कॉमन स्टेयरकेस एंड एलिवेटर्स आर आल्सो यूज्ड बाय देम. कॉमन टेरेस इज आल्सो टेरेस मींस रूफ. ओके, तो बिल्डिंग के ऊपर की जो रूफ होती है उसे टेरेस कहते हैं तो उससे भी वो कॉमनली यूज करेंगे बाय देम इन फेस्टिवल पार्टीज मैरिज सेरेमनीज एंड कम्युनिटी गैदरिंग एक्सेट्रा. Now, question number 6 is, what special feature is found in the houses built in the following reason? अब हमें different reason दिए हैं. उनके जो वहाँ किस तरह के houses होते हैं, उनके क्या features हैं, वो हम discuss करेंगे. First is coastal region. The houses in the coastal region have to withstand heavy wind and flood. Okay, जो coastal region है, वहाँ पर क्या होता है? Heavy winds यानी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, storm आ सकता है and फ्लड वहाँ पे बाढ़ आने के भी चांसेस होते हैं. सो दे मस्ट बी मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय बैड एयर. और ऐसे मटेरियल से वो हाउसेस बने होने चाहिए जो कि वहाँ की जो तेज हवाएं चलती हैं या समुद्र से जो आने वाली लहरें हैं उससे वो अफेक्टेड नहीं होते हैं. कोस्टल रीजन हैव स्लैंटिंग रूफ सो दैट वाटर कैन नॉट कलेक्ट ऑन द रूफ एंड फेल डाउन इजिली. तो कोस्टल रीजन की जो रूफ्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? स्लैंटिंग या स्लोपी रूफ बनाते हैं ताकि अगर जो कोस्टल समुद्र से आने वाला जो सी वाटर है वो अगर तेजी से आता है या फिर रेनफॉल होता है वहाँ पे हैवी तो जो वो वाटर है वो रूफ पर कलेक्ट नहीं होता है एंड फेल्स डाउन इजिली. सेकेंड इज डेजर्ट रीजन. Houses are built of brick and stone. यहाँ के जो houses हैं वो किससे बने होते हैं? Brick से and stones. They have thick walls and flat rooftop. उनकी जो walls हैं वो thick होती हैं, बहुत ही मोटी होती हैं और उनका जो rooftop है, छत है, वो कैसी होती है? Flat होती है. Thick walls keep inside the house cool. और जो thick walls हैं वो house को अंदर क्या रखती हैं? Cool रखती हैं, ठंडा रखती हैं. And flat rooftop can be used as a terrace. वो terrace की तरह हम उन्हें use करते हैं. Now third one is hilly area. They receive heavy snowfall during winters. वहाँ पे क्या होता है? Winters में बहुत ज़्यादा snowfall होता है. So people build houses with sloping rooftop so that the snow slide down easily. ताकि जो वो स्नो है वो स्लाइड कर सके और इजीली नीचे आ जाए. ओके, एंड वहाँ हैवी रेनफॉल भी होता है तो उसमें भी जो स्लोपी रूफ्स हैं वो हेल्प करती हैं
और जो रेन वाटर है वो स्टोर नहीं होता है रूफ्स पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर कॉमन शेल्टर्स मींस रेन बसेरा. द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट्स ऑफ अ कॉमन शेल्टर फॉर दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस. All the facility like pure drinking water, clothes to wear, bed sheets, a cupboard to keep their belongings, toilets, first aid, means of entertainment like television etc. are available to them free of cost. तो ये जितनी भी facilities हैं उन्हें free of cost provide करवाई जाती हैं government के through and these common shelters are kept open for 24 hours throughout the year. और पूरे साल ये 24 hours open रहते हैं. Question number 8 is what is an igloo? Igloo kya hota hai? So there are some places in the world where the material like rock, sand, wood, iron etc. are not available. There is snow everywhere in these places. So a very less number of people live in these places and those who live, their houses are made of snow which are called igloos. Ninth question is Mason and laborers are constructing a building in the given picture. Okay, so what material are used in the construction? Write any three of such things. In book me dekhiya page number 18 par jo mason hai aur jo laborers hai wo house construct kar rahe hain. तो हमें आपको कोई भी ऐसी three things की name बतानी है जो house के construction में वो use कर रहे हैं. Okay, so कौन कौन सी three things हैं? First is ब्रिक, ईंटों का यूज कर रहे हैं वो. सेकेंड वन इज सीमेंट, सीमेंट का यूज कर रहे हैं. एंड थर्ड वन इज वो किसका यूज कर रहे हैं? सैंड का यूज कर रहे हैं. सो थ्री थिंग्स के अगर नेम हमसे पूछे जाएंगे तो हम हमारा आंसर होगा ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब अबाउट योर ड्रीम हाउस. आपको अपने ड्रीम हाउस के बारे में डिस्क्राइब करना है. सो एवरी स्टूडेंट कैन हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट ऑन ड्रीम हाउसेस. आप भी अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. आपके सपनों का जो घर है आपको कैसा चाहिए? लाइक सेपरेट रूम फॉर ईच मेंबर, हर मेंबर के लिए आपको सेपरेट सेपरेट रूम चाहिए. ड्रॉइंग रूम मस्ट बी देयर फॉर द गेस्ट, और जो आने वाले गेस्ट या मेहमान है उनके लिए आपको ड्रॉइंग रूम भी चाहिए. सो थर्ड इज अ बिग किचन शुड बी देयर इन द हाउस. आपको बिग किचन चाहिए. एंड अ बिग बाथरूम शुड बी अटैच्ड टू एवरी रूम. हर बाथरूम रूम के साथ में आपको एक बड़ा बाथरूम भी चाहिए जो उसके साथ अटैच हो. ओके, एंड कार पार्किंग एरिया शुड बी देयर. आपको अपने हाउस में कार पार्क करने के लिए, कार रखने के लिए भी जगह चाहिए. बालकनी इज नेसेसरी, एक बालकनी भी चाहिए आपको. There should be a proper availability of fresh air and light. उसका construction ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे light and air की proper availability हो. Okay? And there should be study room for children. And childrens के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए? Study room भी होना चाहिए. Okay? Now our chapter number 18 is completed.